अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रस्म लाइफस्टाइल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और सब लोग खुश होंगे। आज हम लोग बनाएंगे स्टर फ्राई मशरूम। तो इसके लिए मैंने एक पैकेट मशरूम ले लिया है, 2 टोमेटोज़ ले लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है, थोड़ा बड़ा चॉप किया है, उसके सारे सीड्स निकाल दिए हैं। 1 कैप्सिकम ली है, उसके भी सारे सीड्स निकाल के उसको क्यूब्स में कट कर लिया है, और बीन्स को भी कट कर लिया है, इतना लंबा कट किया है इनको। और एक मैंने कढ़ाई रख दी थी, ये आयरन की कढ़ाई है, इसमें स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बहुत अच्छी बनती हैं। तो जब वो हीट हो गई है तो उसमें डाला है बस 1 टीस्पून ऑयल, और फिर उसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक, और ये पूरी कुकिंग जो है वो बहुत ही हाई फ्लेम पे होगी। और सबसे पहले इसमें बीन्स डाल दिए क्योंकि बीन्स को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टर फ्राई वेजिटेबल्स को गलाया नहीं जाता है। फिर इसमें मशरूम डाल देंगे और बहुत ही हाई फ्लेम पे कुकिंग होगी। अगर स्लो फ्लेम पे करेंगे तो वो स्टर फ्राई वाला टेस्ट नहीं आता है। बस इनको थोड़ा सा सौटे करेंगे कि जो इसका पानी है वो सूख जाए, क्योंकि मशरूम में अपना बहुत पानी होता है, तो वो बस ड्राई हो जाए। उतनी देर बिल्कुल कंटिन्यूस हिलाते हुए बहुत हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, विद इन 5 to 10 मिनट्स की कटिंग चॉपिंग सब हो जाती है और ये रेडी हो जाती है, और स्टीम राइस के साथ या नॉर्मल चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, या आप इसको ऐसे ही रूखा खाएं तो भी बहुत अच्छी लगती है। बस अब जैसे ही इसका पानी थोड़ा सूखने लगेगा, इसमें डाल लेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून जितना सोया सॉस, बहुत कम ही स्पाइसेस के साथ बनती है ये और बहुत अच्छी बनती है। बस ये कि सोया सॉस डालने से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, अगर आप चाहें तो नहीं डालें, मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है स्टर फ्राई मशरूम में, तो मैं ज़रूर डालती हूँ सोया सॉस। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए, ये रिड्यूस होके पानी सारा मशरूम जस्ट हाफ रह गए अपनी क्वांटिटी से। अब इसमें जो टोमेटोज रखे थे क्यूब्स के शेप में कट करके, और कैप्सिकम वो भी डाल लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पानी ड्राई हो चुका है मशरूम का। अब इन वेजिटेबल्स को ज्यादा हमें गलाना तो होता नहीं है, तो बस जैसे ही टोमेटोज और मशरूम डालेंगे उसके बाद फौरन ही इसको सीजन कर देंगे सॉल्ट से। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून डाल लेंगे कुटी मिर्च या चिली फ्लेक्स, जो भी अवेलेबल हो आपके पास आप वो डाल दीजिएगा। बस इसमें पिसी लाल मिर्च नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि वेजिटेबल्स का कलर सब चेंज हो जाता है। नॉर्मली भी हम यूँ भी कोई भी नॉर्मल वेजिटेबल बना रहे होते हैं तो उसमें अगर पिसी मिर्च डालते हैं तो थोड़ा रेड रेड सा कलर आ जाता है, तो ऐसे क्या होता है कि हर वेजिटेबल का अपना एक अलग कलर रहता है, कि टोमेटोज रेड और ग्रीन और मशरूम वाइट उसी कलर का दिखता है, तो वो कलर देखने में ज़्यादा अपीलिंग और अच्छे लगते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इसमें चिली फ्लेक्स या कुटी मिर्च ही डालना। अब क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट मिला लिया था तो मशरूम फिर थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे, तो ये हाई फ्लेम पे अराउंड 35 to 45 seconds के लिए इसको ऐसे ही कुक करेंगे। और थोड़ा फैला के करेंगे ताकि ये इसका क्रंच ना खत्म हो, जो हमने कैप्सिकम डाला है और बीन्स डाला है वो गल ना जाए ज्यादा, क्योंकि स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में जब तक वो क्रंच नहीं आता है वेजिटेबल्स का, जब तक वो उतना टेस्ट लगता नहीं है अच्छा। और बस इसमें एंड में अराउंड 1/2 टीस्पून के जितना ब्लैक पेपर डाल लेंगे, और एक दो बार इसको स्टर करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हॉट हॉट ही सर्व कर लेंगे। आप इसको ऐसे ही खाएं, या स्टीम राइस के साथ खाएं, या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही यमी होती है, बहुत क्विक बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही यमी होती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे कुछ यम्मी रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।